हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं 30 फीट बाई 40 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लॉट है, ये नॉर्थ फेस का प्लॉट है हमारा। हमने इसमें बीच में से ये एंट्री दी हुई है, ये हमारी एंट्री रहेगी। 9 फीट वाइड की हमारी ये एंट्री रहेगी और यही हमारी कार पार्किंग के लिए स्पेस रहेगा। 9 फीट बाई 15 फीट यहाँ से आप एंट्री करेंगे। यहाँ हमारा डोर लगा हुआ है। ये हमारा डोर है। फ्रंट पर हमने ये गार्डन के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। 4 फीट 3 इंच वाइड का हमारा ये लॉन रहेगा। एक एंट्री आप यहाँ से सीधा घर में अंदर कर सकते हैं। दूसरी एंट्री हमने यहाँ दी हुई है जो कि ड्राइंग रूम में होती है। तो जैसे ही आप ड्राइंग रूम में एंट्री करेंगे, यहाँ से यहाँ हमने सोफ़ा डाला हुआ है, बीच में ये हमारा टेबल रहेगा और सामने की वॉल पर हमने टीवी यूनिट डिज़ाइन किया हुआ है। और ये हमने दीवार में दिया हुआ है इस वाले ड्राइंग रूम के लिए वार्डरोब। चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं घर के अंदर। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, सामने ये आपके लिए लॉबी मिलेगा। लॉबी का साइज रहेगा 23 फीट 10 इंच बाई 10 फीट 4 इंच। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लॉट है, इसके दो साइड रोड है। इस साइड भी हमारा रोड है, तो इसीलिए हमने ड्राइंग रूम में ये विंडो दी हुई है और यहाँ हमने ये प्रोजेक्शन दिया हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्शन रहेगा और इस वाले रोड से भी हमने एक एंट्री दी हुई है जो कि सीधी लॉबी में होती है। दूसरा, हमने लॉबी में से ये हमने स्टेयरकेस अप किया हुआ है जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये हमारा 3 फीट का स्टेयरकेस रहेगा। यहाँ हमने डाइनिंग टेबल डाला हुआ है और यहाँ हमारा रहेगा फ्रंट पर किचन। ये हमने किचन के वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है। यहाँ हमारा गैस स्टोव रख जाएगा और इस साइड हमारा सिंक रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा हमारा बेडरूम जिसका साइज है 11 फीट 4 इंच बाई 12 फीट। ये हमने वार्डरोब डिज़ाइन किया हुआ है। ये बेड डाला हुआ है और सामने हमने टीवी यूनिट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ हमने ओपन दिया हुआ है, तो यहाँ हम डबल पैनल का डोर लगा देंगे। डबल पैनल के डोर से एक डोर हमारा जाली का रहेगा और दूसरा डोर हमारा बोर्ड वाला रहेगा। और फ्रेंड्स, ये जो टॉयलेट है, हमने टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी एंट्री एक लॉबी से है। दूसरा, आप इस रूम से भी इस टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो ये जो हमने गेट दिया हुआ है, यहाँ हमारा गेट रहेगा टॉयलेट का, तो इस इधर से भी आप इस टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। टॉयलेट का साइज रहेगा 5 फिट बाई 8 फिट। यहाँ हमने नहाने के लिए शावर लगाया हुआ है और इस साइड हमने टॉयलेट सीट और इस वाले कॉर्नर में हमने वॉश बेसिन लगाया हुआ है। और पीछे हमने इसके वेंटिलेशन के लिए ओपन छोड़ा हुआ है। ओपन का साइज है हमारा 5 फिट बाई 3 फिट 8 इंच। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूम हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है 11 फिट 4 इंच बाई 12 फिट, जो कि सेम साइज का है। ये वाला बेडरूम और ये वाला बेडरूम हमारा सेम साइज का रहेगा। इस साइड हमने बेड डाला हुआ है, सामने वाली वॉल पर हमने टीवी यूनिट डिज़ाइन किया हुआ है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने इस वाले रोड पर विंडो दी हुई है। ये जो हमारा रोड है, साइड रोड है, तो हमने विंडो दी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है 30 बाई 40 को। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।